आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की रविवार की आराधना को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बाइबल से हम एक पाठ पढ़ेंगे, जो कि आज की आराधना के लिए पाठ चुना है मैंने। नए नियम की पुस्तक में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आज के वचन को समझने के लिए आइए हम अपने प्रभु पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता प्रेमी जीवित पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम सहायता के लिए, मदद के लिए, अगुवाई के लिए और तेरी तमाम उन आशीषों के लिए प्रभु, जो आप अपने प्रियों को, मसीहों को, विश्वासियों को मुफ्त में ही प्रदान करते हैं। उनकी चिंता करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। खास रूप से वर्तमान में आप हमारी हर एक विश्वासी की मदद कर रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त प्रभु हमें आपकी मदद की और सहायता की और मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है, और आपका वचन हमें मार्ग दर्शन कराता है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते और हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। वर्तमान में प्रभु, जिस महामारी से पूरा संसार सामना कर रहा है, जूझ रहा है, उस महामारी से भी प्रभु आपने अपने मसीहों को, विश्वासियों को सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, आनंद में बनाए रखा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु, जो वचन अभी हमने पढ़ा, उस पर हम थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान और अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें अपने वचन को समझने में, संपूर्ण रीति से सीखने में, जिससे कि उसी के अनुसार हम अपने जीवन को संसार में रहकर व्यतीत करें और वो वचन जो हम सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे लिए, हर एक के लिए आनंद, खुशी और आशीष का कारण बने। धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा, हम अपने आप को और आज के वचन को सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंप देते और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। वर्तमान में आज बहुत से लोग कोरोना महामारी से दुखी हैं, शोकित हैं, और बहुत से लोग इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि प्रभु का वचन आज हमारे पास पहुंचा हुआ है और वो वचन इस महामारी से, इस बीमारी से हमें लड़ने, हमें मुकाबला और इसका सामना करने में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। और वो वचन हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत करता है। बहुत से लोग इतने डरे हुए हैं, इतने ज्यादा शोकित हैं कि वो ना तो घर से निकल पा रहे हैं, ना मनपसंद उनको भोजन पानी की व्यवस्था हो पा रही है, ना कहीं घूमना फिरना हो पा रहा है। अपनी इच्छा के अनुसार वे तमाम वो कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं
जो वो करना चाहते हैं, तमाम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की शिक्षा है कि आनंद करो, आनंद मनाओ, जिससे तुम्हें शांति प्राप्त हो। और आज का जो वचन है इसी और इन्हीं विचारों से संबंधित है। और जो वचन अभी हमने आपके सामने पढ़ा, पांचवा अध्याय उसका चौथा पद, मत्ती रचित सुसमाचार का, कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठ रहा है कि क्या हमें शोक करना चाहिए, क्या हमें शोक करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य शब्द का जो अर्थ है, धन्य शब्द का अर्थ प्रसन्न या फिर सुखी होना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रसन्न एवं सुखी वे हैं जो शोक करते हैं। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले हमारे पादी साहब ने इसी स्थान पर से प्रीच करा था कि हमें शोक करने की आवश्यकता, जरूरत नहीं है। लेकिन हम उस शोक की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी दूसरे शोक के विषय में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है यह हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रभु यीशु मसीह शोक मनाने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि हमें शोक मनाना चाहिए, शोक करना चाहिए? उत्तर है कि कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें शोक करना ही नहीं है, हमें शोक बिल्कुल नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है संसार की शिक्षा से बिल्कुल अलग है और विपरीत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को खुश रहने के लिए या फिर प्रसन्न रहने के लिए पहले शोक करना होगा, पहले शोक करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। प्रसन्न सुखी रहने के लिए, इसको समझिए, अगर इंसान प्रसन्न रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो पहले इंसान को, व्यक्ति को और हमें शोक मनाने की जरूरत है। अब ये किस शोक की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? शोक का अर्थ होता है कि हमें अपने पापों के लिए शोक करना चाहिए। जो हमने अपने जीवन में पाप किए हैं, अपराध किए हैं, उनका शोक करना होगा, तभी हमें खुशी और प्रसन्नता हासिल होगी। बिना शोक के खुशी और प्रसन्नता बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकती। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जितनी भी हम अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का प्रयोग कर लें, पैसे को आप प्रयोग कर लें, हमें ना खुशी मिलेगी और ना आनंद मिलेगा और ना हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी बिना शोक के। अब यह समझना है कि पाप अपराध क्या है, क्या है वो पाप अपराध जो इंसान करता है। हमें अपने पाप अपराधों को मानना है, स्वीकार करना है। अब ये पाप अपराध क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो इंसान, जो मसीही विश्वासी कार्यों को करता है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो कार्य हम करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है।
और इसी को हम पाप और अपराध कहते हैं। इंसान जो है, व्यक्ति जो है, पाप और अपराध कई प्रकार से करता है, कई प्रकार के करता है। पाप अपराध जो हैं कई प्रकार के भी होते हैं। अगर आप मेरे साथ गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय निकालेंगे तो वहां पर गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय में कुछ ऐसे पाप अपराधों के विषय में लिखा हुआ है जो इंसान को, एक मसीह को, एक विश्वासी को जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, नहीं करना है। लिखा हुआ है 5वें अध्याय के 19 पद में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और ऐसे काम है जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गैर मसीह हो, चाहे वो मसीह हो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लोग कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रिय लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, और अगर इस प्रकार के वो काम करते हैं जैसा कि पौलुस गलतियों की पत्री में कहता है, तो ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है, परमेश्वर का राज्य। अब परमेश्वर के राज्य में हर मसीह विश्वासी की इच्छा है कि वो प्रवेश करे, हर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के राज में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। मसीह हो जाना, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेना स्वर्ग राज्य दाखिल नहीं है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। यही बहुत नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, उस पर अमल करना होगा, तभी हम उस परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाने में सफल हो पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि पाप अपराध कई प्रकार के होते हैं। संसार जो है अधिकांश रूप से गलत लोगों से भरा पड़ा है। संसार जो है तमाम पापियों से, अपराधियों से भरा हुआ है, जिनके अंदर गलत विचार, गलत भावनाएं, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, यह भी एक तरह का पाप है। पैसों का लोभ, पैसों से प्रेम, झूठ बोलकर चोरी से किसी का पैसा हड़प लेना, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। अगर हम बाइबल की ओर दृष्टि करें तो एक कहानी हमें याद आती है जकई की, कि जकई चुंगी लेने वाले की कहानी याद आती है कि किस प्रकार से वो लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसों को ले लिया करता था और उनसे ब्याज के साथ वसूल किया करता था, मोटे ब्याज के साथ। लोग उससे घृणा करते थे, उसको अपने नजदीक नहीं आने देते थे। जकई, लेकिन क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज मैं तेरे घर में
आना चाहता हूं, तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं। हृदय परिवर्तन हुआ उसका, हृदय परिवर्तन, मन फिरा हुआ उसका। और उसने जिन लोगों से झूठ बोलकर गलत रीति से पैसा लिया, दुगने चौगने रूप में उसको लौटाया, दुगने चौगने रूप में उसको लड़ा। क्यों? क्योंकि उसका मन परिवर्तित हो चुका था प्रभु यीशु मसीह को पा जाने के बाद। कई प्रकार के पाप अपराध होते हैं, कई प्रकार के, लोगों का हठीलापन, ढिठाई, अपने हठीलेपन से बाज नहीं आते हैं, अपनी ढिठाई से बाज नहीं आते हैं। परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को करते हैं वो, लेकिन उनका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है। और ये सब सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित पाप और अपराध है, बहुत ही घृणित, बहुत ही घृणित। परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसे पाप अपराधों को, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसीलिए आज अधिकांश रूप से लोग मुसीबत में, परेशानियों में, बीमारियों में, विपत्तियों में, संकटों में बने हुए हैं, उसे जूझ रहे हैं। और इन पाप अपराधों के लिए हमें शोक करने की आवश्यकता है, जरूरत है, शोक करना होगा, शोक करना होगा। देखिए, इन पाप अपराधों के लिए हमें शोक मनाने की आवश्यकता है। बाइबल इस बात की शिक्षा देती है और प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को बड़े जोरों शोरों से बोल रहे हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शोक करना होगा, हमें अपने पाप और अपराधों को मानना होगा प्रभु के सम्मुख कि हां प्रभु, मैंने आप के सम्मुख ये घृणित पाप किया है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। बाइबल में एक शोक की बात और हमें देखने को मिलती है, एक शोक और है। उस शोक के विषय में भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे। मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय मेरे साथ निकाल लें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और उसका 13 पद और 14 पद पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को क्या सलाह दे रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीव भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अब इसको समझना है, वहां प्रभु यीशु मसीह शोक करने की बात कर रहे हैं मत्तियुस सुसमाचार में, और यहां पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों के अध्याय में, चौथे अध्याय में उसके 13-14 पद को पढ़ने में यह आज्ञा दी जा रही है कि हमें दूसरों के समान शोक मनाने की आवश्यकता, जरूरत नहीं है। समझना है, ये समझना है, बहुत जरूरी है। और चौथे अध्याय के 13-14 पद का जो अर्थ है, वो अर्थ ये है कि जब हमारे जो प्रियजन होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं,
हमारे पड़ोसी हैं, हमारे तमाम रिश्तेदार गण हैं, जब वे शारीरिक रूप से मर जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात की आशा प्रदान करता है। ये जो वचन अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इस बात की आशा हमें प्रदान करता है कि वे जो हैं प्रभु में मरे नहीं हैं, वे प्रभु में मरे नहीं हैं। शारीरिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई है, मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया, मिट्टी के हवाले कर दिया गया, वो हमारे प्रियजन मरे नहीं, वो प्रभु परमेश्वर में जीवित है, वो सबके सब, और उन्हें शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन प्रियों के लिए, उन रिश्तेदार गणों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन भाई बहनों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा हमें बाइबल नहीं प्रदान करती है कि हमें उनके लिए शोक मनाने की कोई भी आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आनंद मनाने की जरूरत है, बल्कि हमें आनंद मनाने की जरूरत है। अगर हम इसको आगे और पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जो उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखिए, इस वचन को पढ़ने से हमें कितना मन में शांति प्राप्त होती है, कितनी अधिक शांति मिलती है हमारे हृदय को। बस हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको समझना है, उसको समझना है। पढ़ने वाले नहीं, समझने वाले, अमल करने वाले, चलने वाले बनो, बाइबिल कहती है, बाइबिल ही हमें शिक्षा देती है, चलने वाले बनो। और अगर कोई मसीह शोक करता है अपने प्रियों के लिए, अपने रिश्तेदार गणों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अगर कोई शोक करता है, कोई मसीह, कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो मसीह प्रभु यीशु के जीवित हो उठने पर विश्वास नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने पर विश्वास नहीं करता। अगर वो शोक कर रहा है तो, अगर वो शोक करता है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो, ना तो मन से, ना आत्मा से, ना जीवन से, ना सारी बुद्धि से, ना सारे प्राण से, ना सारी शक्ति से, प्रभु परमेश्वर से ना तो वो प्रेम करता है और ना वो उस पर विश्वास करता है। अगर वो शोक करता है तो, अगर वो शोक करता है तो डेथ एनिवर्सरी, मैं शोक के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। शोक, पहला शोक जो हमने देखा, अपने पाप अपराधों को मानना है, उसके लिए शोक बनाना है, जो हमने पाप अपराध किए। यहां पर जो शोक की बात हो रही है, जो पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को कह रहा है कि मरे हुए जो प्रभु में सो गए उनके लिए हमें शोक मनाना नहीं है। डेथ एनिवर्सरी, बहुत से मसीही लोग हैं, बहुत से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, अभी वो संपूर्ण रीति से
मसीह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके हैं, मसीह ज्ञान को समझ नहीं सके हैं। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये डेथ एनिवर्सरी परमेश्वर की ना तो डिक्शनरी में है और ना ही परमेश्वर के किसी वचन में पाया जाता है। और ये परंपरा कहां से लोगों ने कैच कर ली है, पकड़ ली है कि वो अपने घरों में डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। किसी भी प्रकार की डेथ एनिवर्सरी की आज्ञा नहीं दी गई है, डेथ एनिवर्सरी है ही नहीं। अगर हम डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इसके विषय में हमारे पादरी साहब ने भी एक दिन इसी पुलपिट से, इसी स्थान से इस बात को बोला था कि अगर डेथ एनिवर्सरी अगर हम मनाते हैं तो हम अपने प्रिय, अपने रिश्तेदार, अपने बुजुर्ग, अपने भाई, अपने बहन की मृत्यु की घोषणा करते हैं कि वो मर गए, वो जीवित नहीं उठे, वो मर गए और वो नरक में चले गए। आज मैं फिर इस बात को बोलना चाहूंगा और यही सत्य है और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अगर हम मसीह विश्वासी लोग इसका आयोजन करते हैं, डेथ एनिवर्सरी का इसका प्रायोजन करते हैं, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। ये प्रायोजन, ये आयोजन गलत है, ये संपूर्ण रीति से गलत है, बाइबल के अनुसार गलत है, वचन के अनुसार गलत है। इस प्रकार के लोग जो आयोजन प्रायोजन करते हैं आत्मिक रूप से अज्ञानी है, उन्हें आशा है ही नहीं कि हम एक दिन फिर दोबारा अपने प्रियजन से मिल सकेंगे। थिस्सलुनीकियों की पत्री में यही तो बात पौलुस लिख रहा है, यही बात लिख रहा है। हे भाइयों, तुम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो प्रभु में सो गए हैं हमें उनके लिए अज्ञानी नहीं होना है, नहीं बनना है अज्ञानी। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। दूसरे लोग यानी कि जो मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, वो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचा है, इसलिए वो शोक कर रहे हैं। जिनके पास पहुंच चुका है उनको शोक बनाने की, शोक करने की जरूरत नहीं है, उनको शोक करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की आशा दिलाता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है कि एक दिन हम अपने प्रिय जन से अवश्य मिलेंगे। एक दिन हम अपने भाई से, हम अपनी बहन से, हम अपने पड़ोसी से, हम अपने रिश्तेदार से एक दिन जरूर मिलेंगे। जरूर हम तब मिलेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से विश्वास करेंगे और शोक नहीं मनाएंगे, तब मिलेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार या फिर परमेश्वर की डिक्शनरी में, मैं फिर दोहराऊंगा, इस शोक, डेथ एनिवर्सरी है ही नहीं, है ही नहीं। सांसारिक लोग जो होते हैं मसीह की शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं। ये सांसारिक लोग मसीह की शिक्षा को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर संसार का ज्ञान भरा पड़ा है, संसार का ज्ञान, संसार हमें शांति नहीं दे सकता है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। अगर परमेश्वर हमें पापी कहता है तो हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अगर परमेश्वर हमें पापी और अपराधी कहता है तो हम इसको बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और अगर
यही बात हमारा पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार गण, हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन हमें पापी अपराधी कहकर पुकारता है तो बड़ी हमें स्वीकार करने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों क्यों कठिनाई होती है भाई? कठिनाई तो होनी नहीं चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, कोई भी मुझे बुलाए इस शब्द से हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। स्वीकार अंगीकार करने की जरूरत है कि हां, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। इसलिए हमें शोक मनाने के लिए एक आत्मिक हथियार को अपनाने की जरूरत है, आत्मिक हथियार को पहनने की आवश्यकता है, आत्मिक हथियार को अपनाना पड़ेगा शोक मनाने के लिए। अब वो आत्मिक हथियार क्या है, वो आत्मिक हथियार क्या है, मेरे साथ आप निकालें, फिर दोबारा मत्तरची सुसमाचार में मैं आपको लेके जाऊंगा पांचवें अध्याय में। वो आत्मिक हथियार देखिए क्या है, हम स्वर्ग राज की बात कर रहे हैं, स्वर्ग राज में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, इसको बड़ी गंभीरता के साथ समझिए, इसको समझना है। तीसरे पद में लिखा हुआ है, जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, प्रसन्न और सुखी है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पांचवें पद में लिखा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आत्मिक हथियार मसीहों को, विश्वासियों को पहनने की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र, आत्मिक अस्त्र शस्त्र हैं ये, हम मसीहों के लिए इसको अपनाना है, इसको अंदर ढाल लेना है। दीनता, नम्रता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 11 अध्याय के 29 पद में, 11 अध्याय के 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। शोक करने के लिए, शोक करने के लिए है ना, शोक करने के लिए हमें सबसे पहले दीनता और नम्रता की आवश्यकता है, तभी हम शोक कर पाएंगे, वरना हम शोक नहीं कर सकते, हम शोक नहीं कर सकते। कई उदाहरण है बाइबिल में दीनता नम्रता के, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना पहला उदाहरण दे रहे हैं कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, है ना। प्रभु यीशु मसीह तो ने तो इतनी उनके अंदर दुख, मुसीबत, परेशानी, है ना, तमाम दुखों का सामना किया। उस डाकू को देखिए जिसे उद्धार मिला, उसने शोक किया, उसे शोक किया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने नम्र किया, उसने माना मैं अपराधी हूं। इसलिए उसे उद्धार मिला और उसे उस स्वर्ग राज्य में जगह मिली जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उसी दिन उसके साथ किया था। दीनता, नम्रता, दीन और नम्र ही आत्मिक पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीन और नम्र आत्मिक पृथ्वी के अधिकारी, यानी कि स्वर्ग राज, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कुलुसियों के पहले अध्याय को मेरे साथ निकाल लें, कुलुसियों का आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय,
उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। है? तुम सारे आत्मिक ज्ञान, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होने की जरूरत है। परमेश्वर का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो आज हमने दो प्रकार के शोक के विषय में परमेश्वर के वचन से सुना और ये सीखा कि कब हमें शोक मनाना है और कब हमें शोक नहीं मनाना है। शोक मनाना भी है और शोक नहीं भी मनाना है, ये समझना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तभी हम वर्तमान में बहुत से लोग शोकित है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने कही थी बात, इस महामारी की वजह से लोग शोकित है, कोरोना की वजह से शोकित है, शोक मना रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि बाइबिल हमें इस बात की शिक्षा देती है कि आनंद मनाइए, हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जरूरत है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम आज सुरक्षित हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, उद्धारकर्ता, जीवित प्रेमी, पवित्र परमेश्वर, हृदय से, मन से, आत्मा, जीवन से, संपूर्ण हृदय से, बुद्धि, प्राण, सारी शक्ति से, पवित्र आत्मा, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि हम स्वर्ग राज में जब पहुंचे तो किन किन आत्मिक हथियारों को, अस्त्र शस्त्रों को पहनते हुए अपने जीवन को इस संसार में रहकर व्यतीत करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं तेरे आत्मिक वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा, वर्तमान में तमाम संसार के लोग, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले तमाम जातियां प्रभु, इस महामारी से, कोरोना के रूप में जो फैली हुई है, उसका सामना कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से परिवार बिछड़ गए प्रभु, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई उस महामारी के वजह से। बड़ा भारी संसार को नुकसान हुआ है प्रभु, हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो शोकित हैं प्रभु, जो दुखित हैं, जो अपने लोगों के लिए, जो प्रभु में सो गए, उन्हें शांति प्रदान करें प्रभु, उन्हें आशीष प्रदान करें, अपना वचन उन्हें प्रदान करें, जिससे कि उन्हें शांति प्राप्त हो प्रभु, और उन परिवारों में जो जगह खाली हुई, रिक्त हुआ जो स्थान, पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति से उस जगह स्थान को प्रभु भरें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हम तमाम मसीह परिवारों के लिए, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो चल फिर पाने में असमर्थ हैं, तमाम उनके रिश्तेदारगण जो देश और विदेशों में पाए जाते हैं, वो भी बीमार हैं प्रभु,
पवित्र आत्मा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया अपनी कृपा प्रभु उन पर उंडेलें, अपनी दृष्टि प्रभु उन पर ध्यान करें, अपने हाथों को बढ़ाएं और उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें, शक्ति सामर्थ्य परिपूर्ण करें पवित्र आत्मा, आशीष दे प्रभु, आनंद से खुशियों से उन्हें परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक मसीह विश्वासी के लिए जो इस अजमेर शहर में है, उन्हें और ज्यादा शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाएं, किसी भी अज्ञानता का सामना ना करें बल्कि तेरे वचन के अनुसार वो और ज्यादा आत्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हुए इस महामारी का डटकर मुकाबला कर सके, उतने विश्वास में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें प्रभु, हर एक मसीह विश्वासी के लिए, उनके हृदयों को शांति प्रदान करें प्रभु, व्याकुल ना होने दें प्रभु, विचलित ना होने दें प्रभु, उन्हें सबको आशीष दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हर एक मसीह विश्वासी परिवार में सर्वदा बनी रहे, वो और उनका डेरा और उनका परिवार आपके सुरक्षा घेरे में पाया जाता रहे सर्वदा के लिए। हम आज के वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सिखाया समझाया, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, हमें और ज्यादा शक्ति सामर्थ प्रदान करें कि हम आपके ही वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें, और जो आशीष आप हमें देना चाहते हैं उन आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। एक बार फिर से बड़े धन्यवादी मन के साथ, बड़े आनंद के साथ हम अपने आप को और अपने तमाम सुनने वालों को जिन्होंने आज के वचन को सुना, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते, सबको आशीष देना, विनती को अपने उद्धार करता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और पवित्रता और शांति हम में से हर एक भाई बहन के साथ और तमाम संसार के विश्वासियों के साथ आपसे लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।